Hello everyone, welcome to AgriTime. Now learn agriculture with me. In this video, we are going to discuss about CGPAT and PVPT result 2024-25. News articles के बारे में discuss करेंगे, phone calls, आपके जो जितने भी comments आए हैं उन सभी के बारे में discuss करेंगे, कब आएगा rank card और result, जितने भी आपके दिमाग में जो आपके doubts जो चल रहे हैं ना, उन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा डिटेल। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लें। पीएटी पीवीपीटी आपका पीएटी एग्ज़ाम या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड जानकारियों के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से सारी जानकारियाँ मिलेंगी। काउंसलिंग से हो या फिर फी पेमेंट, आपका कॉलेज प्रेफरेंस, एडमिशन प्रोसेस, सारे ही चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर उसमें आप ज्वाइन नहीं हो तो ज़रूर से जुड़े, वहाँ पे भी मैं इंफॉर्मेशन जो है पीडीएफ वगैरह वो सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको नंबर दिखाई दे रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मूवमेंट है कि आपके कमेंट्स और जो आपके फ़ोन कॉल्स हैं। देखिए यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उन्होंने कहा पीएटी का रिज़ल्ट कब आएगा, एक स्टूडेंट कहा कि पीएटी का रिज़ल्ट कब आएगा, बीवीएससी पर वीडियो बनाइए, पीवीपीटी के लिए वीडियो बनाइए, पीवीपीटी का रिज़ल्ट कब आएगा। तो मतलब तमाम आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, साथ ही आपके डाउट्स भी आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप में भी आ रहे हैं, मैसेजेस टेलीग्राम में आ रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम में कर रहा है, मुझे यहाँ तक कि कॉल्स भी आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। मैं जब भी कॉल कोई आता है अननोन नंबर से तो मुझसे यही पूछते हैं पीएटी या पीवीपीटी का रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा, क्योंकि ये मतलब ऐसा सिचुएशन बन गया है। देखिए जो आपका पीईटी का एग्ज़ाम हुआ, आपका पीपीएचटी का एग्ज़ाम हुआ, आपका एमसीए का हुआ, पीएमसीए का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना, पीपीटी का एग्ज़ाम हुआ, तो यहाँ पे पीएटी का एग्ज़ाम पहले हुआ और जिन एग्ज़ाम का जिन मतलब इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है वो बाद में हुआ उनका भी रिज़ल्ट जो है व्यापम ने जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मतलब कि इंट्रेंस एग्ज़ाम बचा हुआ है व्यापम की तरफ से पीएटी और पीपीटी, जिसका रिज़ल्ट जो है, मॉडल आंसर तो जारी हो गया है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की, तो ये फर्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो आई थी जिसमें ये बताया गया है कि पीएटी के रिज़ल्ट पीईटी के रिज़ल्ट जारी, 10% से कम अंक वाले छात्रों को भी मिलेगा एडमिशन। यहाँ पे इस तरीके से एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें यहाँ पे लिखा गया था कि पीईटी का रिज़ल्ट आने के बाद आपका पीपीएचटी, एमसीए और आपका जो पीएटी का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सेकंड न्यूज़ आर्टिकल की बात करें तो इसमें बताया गया, देखिए जैसे ही आपका फार्मेसी का रिज़ल्ट आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा था कि एग्रीकल्चर टेस्ट के रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्द करके, यहाँ पे ये न्यूज़ आर्टिकल भी आप लोग एक बार देख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम एक और न्यूज़ आर्टिकल की बात करें जो कि हाल ही में 2 तारीख को जारी किया गया दैनिक भास्कर में रायपुर की तरफ से 2/8/2024 को, पीएटी के नतीजे जल्द, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी कि पीएटी के नतीजे जल्द जारी किए जाएंगे, इसे लेकर व्यापम से तैयारी की जा रही है। ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है, 9 जून को ये परीक्षा हुई थी ये भी हमको पता है, मॉडल आंसर आ चुका है ये भी पता है, लेकिन ये नहीं बता रहे इन लोग कि कब आएगा। कुछ न्यूज़ वालों ने तो ये भी यहाँ पे बता दिया था कि आपका इसी वीक, जो मैं इस वीक के एंड में जो वीडियो डाल रहा हूँ, इसी वीक में आपका जो है रिज़ल्ट जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन इस वीक भी जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर नहीं हुआ। क्या पता अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो क्या पता आज ही जो है रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन ऑफ डेज में अगर रिज़ल्ट आ सकता है तो भाई उसका कुछ कहा नहीं जा सकता।
बट मैंने मतलब कि मैंने तो ये मान ही लिया था कि इस वीक तो कम से कम पीएटी का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा, लेकिन इस वीक भी जो पीएटी का जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि व्यापम जो है रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी कर रही है। तो देखो, हालांकि अगर बात करें व्यापम की तो वो बहुत ही जल्द रिज़ल्ट जो है वो जारी कर देता है हर एग्ज़ाम का, लेकिन इस बार जो पीएटी का रिज़ल्ट वो काफ़ी उसको लेट कर रहा है, क्योंकि उसमें उनको ना देखिए पीएटी का जो रैंक है वो उनको अलग देना होता है, पीवीपीटी का जो रैंक है उनको अलग अलग देना पड़ता है, मतलब एक साथ उनका रैंक नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से जो व्यापम है ना वो थोड़ा सा लेट ले रहा होगा, या हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा रही होगी इस वजह से वहाँ पे व्यापम जो है वो लेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तमाम सी चीज़ें थी। अब यहाँ पे एक और मुद्दा बन के आता है कि तमाम जो वेबसाइट्स जो हम गूगल में सर्च करते हैं CGPAT रिज़ल्ट 2024 करके, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, सब ने बता रखा है कि रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा करके, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आएगा करके। सिर्फ यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपको वहाँ पे टेंटेटिव डेट्स दे दिया जाएगा, या वहाँ पे लिखा रहेगा कमिंग सून करके। तो यहाँ पे आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली हमारे एग्रीकल्चर जो डिस्कशन ग्रुप हमने बनाया उसमें मतलब इतने मतलब मैसेजेस करते हैं इसको लेकर, मतलब इतने चिंतित हैं उन लोग, इतने टेंशन में आ गए हैं कि मतलब पूछो ही मत। और वो रोज़ पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा रिज़ल्ट कब आएगा। तो भाई रिज़ल्ट का टेंशन छोड़ दो, इन फालतू की जो वेबसाइट है उसमें जाना छोड़ दो। अगर आप किसी और चीज़ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपको लगता है कि मैं मतलब कि यहाँ पे PAT 2024 में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, या एग्ज़ाम मेरा उतना खास नहीं गया है, तो आप खाली समय में कुछ पढ़ो, मतलब फिर से PAT का ही तैयारी कर सकते हो, या सोचो कि अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपको लग रहा है कि PAT में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इधर उधर की चीज़ें सर्च करो ना, लाइक IGKV का सिलेबस, IGKV की काउंसलिंग प्रोसेस, IGKV का हॉर्टिकल्चर का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस मैच करो, सिलेबस डाउनलोड करो, रिज़ल्ट का क्या है, रिज़ल्ट जब आएगा तब आएगा। तो तमाम जो आपके बहकावे जो है ना, या अफवाहें जो हैं, या इन फालतू के वेबसाइट्स जो हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। ठीक, जब भी PAT का रिज़ल्ट आता है वेपन के ऑफिशियल वेबसाइट में आ ही जाएगा, मैं डेली चेक कर रहा हूँ, हमारी जो टीम है वो उनको भी मैं लगा दिया हूँ, जैसे ही रिज़ल्ट आता है एक कम से कम छोटा सा वीडियो बना के आपको दे दूँ कि लो भाई आपका PAT का रिज़ल्ट फाइनल आ गया है, अब आप लोग खुश हो करके। इस तरीके से मैं प्रयास वहाँ पे ज़रूर करूँगा। आप लोग तो तमाम जो वेबसाइट जो है ना, या कुछ ऐसे चैनल है या कोई यूट्यूब है, तो उस पर भी आप मतलब कि थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट करो यार। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहता तो मतलब इतने सारे वीडियोज़ क्रिएट कर देता, PAT का रिज़ल्ट कब आएगा, PAT का रिज़ल्ट कब आएगा, इस दिन आएगा उस दिन आएगा, जितने भी मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स आपको दिखाए हैं यहाँ पे, उन एक एक न्यूज़ आर्टिकल्स पे वीडियो बना सकता था अगर मुझे व्यूज़ चाहिए होते तो। बट मुझे छात्रों को मतलब टेंशन नहीं देना, उनको बहकाना नहीं है इधर उधर। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, उनको समझना है, और आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।